फर्स्ट का क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामर का। खंड खंड का ग्रामर भाषा लैंग्वेज पढ़िए। भाषा दीदी भाष किसे कहते हैं? भाष का अर्थ बोलना भाष। पढ़िए भाषा दीदी भाषा किसे कहते हैं? जो कुछ हम बोलते हैं वह भाषा ही है। दीदी क्या कर रही हो? मैं पत्र लिख रही हूँ। जो कुछ हम लिखते हैं वह भी भाषा का ही रूप है। समझिए जो कुछ हम बोलते हैं जो कुछ हम लिखते हैं वह भाषा है। ये बच्चे नारे लगा रहे हैं, ये भाषा में बोल रहे हैं। दीदी ये बच्चे क्या कह रहे हैं? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। जो बात बोलकर समझी वह समझाई जा सके वह भाषा है। राम राम काव काव जागते रहो। पढ़िए और समझाइए। जो बात लिख कर समझी वह समझाई जा सके वह भाषा है। समझिए बोली गई बात का समझना भाषा है। किसी लिखी गई बात का समझना हम बोलने और लिखने में भाषा का प्रयोग करते हैं। याद कीजिए परिभाषा का साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप मौखिक भाषा हम भाषा का दो रूपों में प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा लिखित भाषा। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज मुख में जो मुख से जो कुछ बोला हुआ कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। सेकेंड देखिए लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज जो कुछ लिखा है और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू पंजाबी मराठी गुजराती बंगाली असामी उड़िया कन्नड़ तमिल तेलुगु आदि भी विभिन्न भागों में हिंदी भाषा पंजाबी भाषा गुजराती भाषा बंगाली भाषा मराठी भाषा उर्दू भाषा। नेक्स्ट देखिए आप लोग भाषा का अर्थ सही उत्तर पर समझाइए। देखिए जैसे पढ़ना सुनना बोलना टोटलना जैसे आपका दिया है भाषा किसे कहता है कहते हैं। जो मैं पढ़ाई हूँ उसके आधार पे आप लोग एक क्वेश्चन आंसर दिया है, इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।